हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका सितंबर का मंथ कैसा जाएगा, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए, लियो के लिए सितंबर का मंथ क्या लेके आ रहा है। सो आप अपनी सन मून राइजिंग तीनों के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कि क्या मैसेजेस होंगे क्या नहीं होंगे। एंड लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सैज फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। ओके, सो वी हैव सेक्रल चक्रा, तो डेफिनेटली कुछ क्रिएटिव करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका जो फोकस होने वाला है वो क्रिएटिविटी पे काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। नई चीज़ें सीखना, कुछ लोग नए स्किल्स सीखते हुए दिख रहे हो, ठीक है। अपने स्किल्स को इन्हेंस करना, वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट करना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, जिसकी वजह से आपके जो स्किल्स हैं स्पेसिफाइड एरिया में, जिस भी चीज़ में आप अपने स्किल्स को और शार्प करना चाहते हो, वो चीज़ यहाँ पर होती हुई दिख रही है। अगर आप कोई डिप्लोमा करना चाहते हो या किसी टाइप का कोई कोर्स करना चाहते हो, वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पे मुझे दिख रहा है होता हुआ। सो इस चीज़ के अंदर आप जितनी एनर्जी डालोगे, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे इस महीने में अपने काम से रिलेटेड, उतना ज़्यादा बेटर होगा। छोटे छोटे कोर्सेज देखना, यू नो, वीडियोस देखना, अपनी नॉलेज को जितना ज़्यादा गेन करोगे वर्कशॉप्स के थ्रू, थ्योरीज के थ्रू, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर होगा। साथ में जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, जैसे कि जो आर्टिस्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो हैं, आप किसी डिज़ाइनिंग फील्ड में हो, कुछ भी है, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट कार्ड इज़ बैलेंस का कार्ड। सो आई डू सी कि कहीं ना कहीं एक आपकी राइट और लेफ्ट साइड में बैलेंस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि हमारी जो ईड़ा होती है और जो पिंगला होती है, हमारी दो नाड़ियाँ होती हैं, राइट, जिससे हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, और थर्ड होती है सुषुम्ना। तो आपको अपनी राइट और लेफ्ट नाड़ीज को डेफिनेटली थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की नीड है। और उसके साथ साथ आपके लिए एक ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों को अपनी फिज़िकल हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देने की नीड है। फिज़िकली या तो आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ा सा और ख़राब हो सकती है, बिकॉज ऑफ ओवरवर्क कह लो या कुछ भी कह लो, या फिर ऐसा हो सकता है कि यू नो ऐसे आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ पे, अपनी फिज़िकल हेल्थ पे फोकस करने की नीड है। क्योंकि हो सकता है कि आप अपने ऑरा में कुछ ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको फिजिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती हैं। लेट्स सी, नेक्स्ट कार्ड इज फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। सो दूसरा मैसेज जो यहाँ पे आया है, 9 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो 9 नंबर होता है वो हमारा स्पिरिचुअलिटी का नंबर भी होता है, कंप्लीशन का नंबर भी होता है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि कोई पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं, कोई डिग्री के लिए जा सकते हो आप, अगर आप जाना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है करने की। साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ में क्लोजर मिल सकता है। कुछ लोगों की डिग्री हो सकता है ख़त्म हो, कुछ लोगों की PhD हो सकता है, उसमें आपको कोई क्लोजर मिले। और उसके साथ साथ यहाँ 9 ऑफ कप्स जो का जो कार्ड होता है वो हमें हमारी विश फुलफिलमेंट के बारे में भी बताता है। तो कोई विश आपकी है, पर्टिकुलर विश है जो आपकी फुलफिल होती हुई दिख रही है, उस चीज़ के आपको साइंस मिलने लग जाएंगे ड्रीम्स के थ्रू या अलग अलग मैसेजेस के थ्रू। ये भी वीडियो एक आपके लिए ही साइन है कि आपकी जो स्पेसिफिक विश है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, और ये मुझे रोमांटिक नहीं लग रही है, या तो ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड है या ये आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, जो आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग विश है जो आपकी पूरी होती हुई दिख रही है इन द मंथ ऑफ सितंबर। नेक्स्ट इज इमोशनल विड्रॉल। इमोशनली आपका इतना ज़्यादा फोकस नहीं लग रहा है कि आप रिलेशनशिप पे इतना ज़्यादा फोकस करना चाहोगे, रोमांस पे इतना फोकस करना चाहोगे, या आपके पास इतना टाइम होगा कि आप रिश्तों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सको। और साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि अभी आपके अंदर ना कुछ ऐसे इम्प्रिंट्स हैं अपने पास्ट के, जो कहीं ना कहीं अभी वो टाइम है कि आप उनको रिलीज़ करो। तो अपनी लाइफ में अभी इज़ नॉट द राइट नाउ इज़ नॉट द टाइम, या सितंबर वो टाइम नहीं है जहाँ पे आप किसी नई चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करो या किसी नई रिलेशनशिप के अंदर इन्वेस्ट करो। अभी आपके लिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, अगर कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो वो पास्ट की चीज़ों को आप पहले ठीक करो। बिकॉज़ कुछ ऐसे इम्प्रिंट्स हैं जो आपको, कभी भी आप अकेले बैठोगे आपको कोई भी थॉट आ सकता है, और वो आपको बहुत परेशान करता है, को आपको बहुत इमोशनली सफ़र करवाता है, ड्रेन कर देता है। तो इसलिए इस एनर्जी को लेके आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की नीड है। और एक प्रेयर होती है, होपनोपो प्रेयर, ओके,
इट्स नॉट होपोनोपो, इट्स होनोपोनो, ठीक है, होनोपोनो प्रेयर होती है. अगर आप वो यूट्यूब पे करते हो, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी वो. वो अगर आप करोगे वो आपके लिए बहुत बेटर होगा, बिकॉज आई डू फील कि आप में से काफ़ी लोगों को फॉरगिवनेस मांगने की नीड है. ये जो प्रेयर होती है बहुत मैजिकली वर्क करती है. जब भी हमें अपने आप से फॉरगिवनेस मांगनी है, हमें किसी और को माफ़ करना है या कुछ भी ऐसा. और लास्ट कार्ड जो आया है वो आया है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का. आई थिंक आप अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से ना काफ़ी ज़्यादा अराइज करते हुए दिख रहे हो, ठीक है. मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आप काफ़ी कुछ सीखते हुए दिख रहे हो. एक होता है कि जब कोई भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम अपनी पेसिमिस्टिक एटीट्यूड में आ जाते हैं, अपनी पेसिमिस्टिक एनर्जी में आ जाते हैं. बट वहाँ से आप अपनी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो. जो भी आपकी यू नो लाइफ में दुख रहे हैं, सफरिंग्स रहे हैं, उनसे आप विजडम सीख करते हुए दिख रहे हो. तो आपके अंदर मुझे वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी नहीं दिख रही है. ऐसा लग रहा है जो आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी होगा ना, वो भी आपको एक अच्छी डायरेक्शन में ही लेके जाएगा. एंड कहीं ना कहीं आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है यूनिवर्स इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. सो वी गॉट द कार्ड ऑफ रोमांस. रोमांस के लिए ओके कोई हो सकता है कि कोई पास्ट से आने की कोशिश करे, तो इस पर्सन को लेके आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन सीख करने की नीड है, इस पर्सन को और जानने की नीड है. जैसे बोलते हैं ना कि पानी को छान के पियो और शादी को जान के करो, तो वो वाली मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है. तो इससे पहले कि आप किसी को भी कमिट करो, मेक श्योर कि आपके पास उस पर्सन की कम्प्लीट नॉलेज है, कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है. बहुत बार ऐसा होता है कि मैं देखती हूँ लड़कियों को कि वो बहुत हेजिटेट करती हैं कुछ भी पूछने के लिए. उनको लगता है कि सामने वाला उनको जज करेगा या जो भी. तो आपको बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना कुछ भी आप जानना चाहते हो अपने पार्टनर के लिए. और ये लड़कों के लिए भी है, ये सबके लिए है. ओके सो कुछ भी रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट होता है, मेक श्योर दैट यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन. और सेकंड, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स. लाइक आई सेड कि कोई एक ऐसी फोर्स है. एंड आप लोगों के साथ ना सेप्टेम्बर इतना ज़्यादा फेवर में है कि एक होता है हमें मेडिटेशन करनी पड़ती है, हमें प्रेयर करनी पड़ती है, हम ये करते हैं वो करते हैं. बट कहीं ना कहीं अगर आप कुछ नहीं भी करोगे ना, तब भी आप भगवान के साथ काफ़ी कनेक्टेड रहने वाले हो इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. ओके तो आपके जो भी काम है वो बनते हुए दिख रहे हैं सेप्टेम्बर के मंथ में. सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय, टेक केयर.